अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियल स्टेट नाउ एंड बिल्डर्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप खरीद से होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं 10 मरला ब्रांड न्यू हाउस, जो कि नहायत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ इसको बनाया गया है। उम्मीद करेंगे अगर आपको पसंद आएगा। आइए चलते हैं मुकम्मल विजिट की जानिब। मजीद इसका मैं आपको साइज़ बताता चलूँ। फ्रंट इसका 35 फीट फ्रंट है और बैक इसकी तकरीबन 65 फीट है। तो नहायत ही खूबसूरत ज़बरदस्त डिज़ाइन से इसको बनाया गया। चलते हैं विजिट की जानिब। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके कार पोच में खड़े हैं। इजीली दो सीडान कार इसमें पार्क हो सकती हैं। टॉप पे बहुत ही खूबसूरत इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन बनाया गया है। मजीद रफ़ एंड टफ किस्म की टाइल डिज़ाइन की गई है ग्राउंड पे। फ्रंट पे फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस है और साथ ही ग्राउंड फ्लोर की इसकी एक्सेस आ जाती है और ड्राइंग रूम की इसकी एक्सेस। साइड पर देखें तो ये इसकी आ जाती है गैलरी। नहायत ही वाटर टैंक एरिया, सॉरी ये इसका वाटर टैंक एरिया आ जाता है। आइए चलते हैं इसके मुकम्मल विजिट की जानिब। तो ग्राउंड पे 4x2 की नहायत ही खूबसूरत टाइल की कलर कम्बिनेशन देखें तो बहुत ही खूबसूरत इसमें टाइल कलर कम्बिनेशन वाइट एंड ग्रे और बहुत ही बड़ी इसमें टाइल इंस्टॉल की गई है। तो मीडिया वॉल एरिया है, बहुत ही खूबसूरत साथ कलर कम्बिनेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त मैचिंग की गई है। टॉप पे बहुत ही ज़बरदस्त टाइल से इसकी फॉल सीलिंग दे दी गई है। तो साथ ही इसके आ जाता है इसका ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया कंबाइन रखा गया है। इसको आप अगर चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं। एज़ इट इज़ बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में इसकी फॉल सीलिंग दे दी गई है। साइड पे वॉल बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन की गई है वॉल पेपर के थ्रू। मजीद इसकी एक्सेस भी है जो कि बार कारपोर्ट से आपने देखी थी। मजीद वेंटिलेशन के लिए विंडो जो दे दी गई है, इसमें सेफ्टी ग्रिल भी इंस्टॉल कर दी गई है। तो अब हम चलेंगे इसके बेडरूम फर्स्ट की तरफ। ये इसका बेडरूम फर्स्ट आ जाता है। वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस छोड़ दी गई है। वॉल ड्रा एरिया ग्रे कलर का दिया है, बहुत ही खूबसूरत टॉप टू बॉटम इसको दे दिया गया है। साथ ही फैन वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड हैं। ये आ जाता है इसका बाथरूम। इसमें तमाम तरह एसेसरीज मौजूद हैं। इंडियन सीट का इसमें यूज़ किया गया है। तो सॉलिड डोर्स आपको पूरे घर में देखने को मिल जाते हैं। ये था इसका फर्स्ट बेडरूम। मज़ीद हम चलें तो ये आ जाता है इसका किचन। किचन में भी बहुत ही खूबसूरत सेटिंग की गई है। यूवी की शीट के साथ इसको बनाया गया है। रेंज हुड और बर्नर वगैरह इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर कम्बिनेशन है यहाँ पे। और बैक पे आ जाएं तो इसकी लॉन्ड्री स्पेस है। लॉन्ड्री के लिए स्पेस इसमें छोड़ी गई है। पॉइंट्स वगैरह इसमें पहले से दे दिए गए हैं। तो अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। मजीद जो पहले आपको दिखाया वो एज़ अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। स्क्वायर स्टाइल में इस पे टॉप पे फॉल सीलिंग है जिसमें वार्म लाइट का यूज़ किया गया है रोप लाइट्स के साथ। तो साथ ही अब इसके आ जाते हैं अटैच बाथरूम वाली साइड पर। इसमें इंग्लिश सीट का यूज़ किया गया है। साथ वैनिटी यूज़ की गई अच्छी क्वालिटी की। जितनी भी एसेसरीज हैं वो बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की इसमें यूज़ की गई हैं। तो वॉल ड्रा एरिया इस पर साइड पे दे दिया गया ताकि रूम का साइज़ कंप्लीट रहे। वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह का बेहतरीन निज़ाम रखा गया है। ये आ जाता है इसका बेडरूम सेकंड। फर्स्ट बेडरूम आपने देखा गेस्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम देखा वो आपका मास्टर बेडरूम था। ये इसका आ जाता है थर्ड बेडरूम। टॉप पे खूबसूरत सी फॉल सीलिंग और ब्रांडेड फैन का यूज़ किया गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको देखने को मिल जाती है और साइड पर वॉल ड्रा एरिया इसका रख दिया गया है। यह आ जाता है इसका बाथरूम। सेम इंग्लिश सीट का यूज़ किया गया। तमाम तरह एसेसरीज ब्रांडेड यूज़ की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत इसको बना दिया गया है। चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इसकी प्राइस वगैरह मेंशन कर दूँ। इसकी ओनर डिमांड जो है वो 3,45,00,000 रुपया इसकी ओनर डिमांड है। चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और इसका फर्स्ट फ्लोर हम विजिट करते हैं। तो आप मौजूद हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के टेरेस में। नहायत ही खूबसूरत इस टेरेस को बनाया गया। यहाँ पर भी बहुत ही रफ़ एंड टफ किस्म की टाइल का यूज़ किया गया ग्राउंड पर 2x2 की। नहायत ही ज़बरदस्त स्टाइल में इस ग्राउंड की टाइल को डिज़ाइन किया गया है। अब हम आ चुके हैं इसके वापस फर्स्ट फ्लोर के लिविंग एरिया में। सेम एज़ इट इज़ ग्राउंड पे जो आप देख रहे थे वही चीज़
फर्स्ट फ्लोर पर आपको देखने को मिल जाती है। मज़ीद ये इसका ड्राइंग रूम है, इसमें भी वॉलपेपर का यूज़ किया गया मगर ग्राउंड की वॉलपेपर से इसको थोड़ा सा चेंज रखा गया है। तो थोड़ा सा सिंपल करता चलूँ वीडियोस को। ये इसका किचन आ जाता है, ग्राउंड पे आपने थोड़ी सी पार्टीशन देखी थी, मज़ीद यहाँ पे एज़ इट इज़ वही आपको किचन देखने को मिल जाता है। ये सेम एज़ इट इज़ वही फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है बेडरूम, जो कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, ये इसका एज अ मास्टर बेडरूम काउंट होगा। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये भी सेम एज इट इज़ वही बेडरूम है जो कि आपने ग्राउंड पे देखा था। तो इसके ग्राउंड पे 2x4 की ग्राउंड पे इसमें टाइल यूज़ की गई है। उम्मीद करते हैं घर आपको पसंद आएगा। ऐसे घर हमारे चैनल पे आते रहते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे खूबसूरत घर आप डेली रूटीन में देख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकबान।